Students, I am Ajay Palsar from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic, magnetic field due to straight wire carrying current. Okay? तो हम बेसिकली इसके अंदर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के कारण। कहने का मतलब है कि किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है, उसके पास एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पे आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओके, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक्स वाई आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, एक्स वाई हम क्या लेंगे, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर लेंगे, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर लेंगे, जिसमें से आई करंट जाएगा इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ। लेट पी बी द पॉइंट एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने पी क्या लेना है, पॉइंट लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर। ओके, ए डिस्टेंस होना चाहिए उसका उस वायर से पी पॉइंट का, क्लियरली पी सी इज इक्वल टू ए आपको दिख रहा होगा। लेट द कंडक्टर बी मेड ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, मान लो जो कंडक्टर है वो छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कौन सी, ओके, इसके अंदर ही आपको पता है ना ये बी आपको देख रहा होगा, एक्स से वाई जो है आपका क्या है, एलिमेंट है, उसके अंदर आप उन्होंने बोला कि छोटे छोटे करंट के एलिमेंट हैं। कंसीडर वन सच स्मॉल एलिमेंट, आपने उनमें से एक एलिमेंट ले लेना है, दैट इज आइडियल, आपको दिख रहा है छोटा सा डीएल कंपोनेंट काटे ना, ये देखो टोटल यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये वाली एल लेंथ है, कहाँ से लेके ओ से लेके सी तक आपने एक छोटा सा कंपोनेंट डी एल कट कर लिया। ओके, कर दिया, ओके, दैट इज आई डी एल होगा क्योंकि उसमें से आई करंट जा रहा है, कंपोनेंट कौन सा है, डी एल। ओके, तो ये हो जाएगा। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया उस छोटे से एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन आई डी एंड आर, और थीटा जो होगा आई डी एल और आर के बीच में एंगल होगा। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आपने क्या करना है, जो सी ओ मैंने आपको बता दिया कि वो एल है, अकॉर्डिंग टू द बायो सैवर्ट लॉ, ओके, बायो सैवर्ट लॉ आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डी बी कैलकुलेट करोगे पॉइंट पी के ऊपर उस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए आई डी एल जो। ओके, अब आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, आई पे डिपेंड करती है, डी एल पे डिपेंड करती है, और बाय में आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ये सारे से हमारा बायो सैवर्ट लॉ बना था, आपको पिछला टॉपिक रिवाइज होगा तो आपको पता होगा। जो आपका डी बी बनेगा वो क्या आएगा, म्यू नोट बाय में फोर पाई आई डी एल इंटू आर बाय में आर क्यूब। आपको आर पता है ना, आर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि यूनिट वैक्टर को आपने चेंज किया है आर क्यूब के अंदर। ओके, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पी ओ सी ट्राइंगल के अंदर देखो थीटा और साई जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि आपको पता है सी एंगल 90 का, जो बाकी दो बचेंगे वो भी तो टोटल 90 होंगे, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 90 माइनस साई आ जाएगा, और दोनों के साथ साइन साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस साई आ जाएगा। साइन 90 माइनस साई आपको पता है कोस साई होता है, तो कोस साई आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए बाय में कोस साई, ये आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट, अब आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपको पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो टेंजेंट साई क्या हो जाएगा, एल बाय में ए हो जाएगा, और एल यहाँ से जो आपके निकलेगा ए टेन साई निकलेगा। ओके, तो ये आप निकाल लोगे, आपको एल भी पता है, ए भी पता है, ओके, आर भी पता है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट। ओके, अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कौन सी इक्वेशन का, जो आपने टेंजेंट शाई इज इक्वल टू एल बाय में ए लिखा, फिर उसको एल इज इक्वल टू ए टेन शाई लिखा, तो उसकी डिफ्रेंशिएट करोगे, उसकी डिफ्रेंशिएट का आएगी डी एल, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ओके, पुटिंग द वैल्यू इन फिफ्थ फ्रॉम सिक्स सेवन्थ एट, फिफ्थ इक्वेशन के अंदर बाकी सारी वैल्यू पुट कर देनी है, साइन की वैल्यू पुट करनी है, आर की करनी है, एल की करनी है, सभी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा म्यू नॉट बाय में फोर पाई आई बाय में ए कोस शाई डी शाई बचेगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ डी बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से आप डी बी की डायरेक्शन निकालोगे क्योंकि स्ट्रेट वायर करंट है, विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ होगी। ओके, आर द करंट एलिमेंट
conductor also produce magnetic field in the same direction. Therefore, total magnetic field at P due to current element whole straight conductor के लिए आप क्या करोगे, उसकी लिमिट लगाओगे. अब यह देखो लिमिट किस तरीके से लगेगी, यहाँ पे जो आप क्या लगोगे, टोटल लेंथ लोगे ना एक्स से लेके वाई तक, तो एंगल देखोगे आप, पी जो है पी से एक्स के साथ जो एंगल बनेगा वो शाई वन होगा, पी से लेके वाई तक शाई टू होगा. ओके, अब मान लो आपकी जो एक एक्सिस है, अब आपने ये सेंटर पॉइंट सी लिया, एक आप मान लो माइनस एक्स की तरफ है, एक प्लस एक्स की तरफ है, तो माइनस शाई वन टू शाई टू हो जाएगा. ओके, विदिन द लिमिट, तो आप लिमिट अप्लाई करोगे इसके ऊपर, म्यू नोट बाय में फोर पाई आई बाय में ए बाहर निकल जाएगा, माइनस शाई वन टू शाई टू कोस शाई डी शाई आपके पास ये आ जाएगा, म्यू नोट बाय में फोर पाई आई बाय में ए साइन शाई माइनस शाई वन टू शाई टू आएगा, और इसको अंदर आप लिमिट पुट करोगे साइन शाई टू माइनस शाइन माइनस शाई वन आ जाएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास जो आंसर रहेगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में फोर पाई आई बाय में ए साइन शाई वन प्लस शाई टू आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये आपके पास आंसर आ गया. स्पेशल केस व्हेन कनेक्टर एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा ना, शाई वन और शाई टू, वो सीधी वायर हो जाएगी, सीधी आपको पता ही नहीं कितनी लेंथ है, तो आपके पास साइन 90 प्लस साइन 90 पुट करोगे, आपको पता है साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए हो जाएगा. व्हेन कनेक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइट लेंथ बट पी पॉइंट नियर दी एंड वाई, अगर एक पॉइंट का इनफाइनाइट लेंथ है, एक पॉइंट के अंदर जो एंगल है वो जीरो आएगा, तो इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा म्यू नोट आई बाय में 4 पाई ए. ओके, इससे आप निकल गए. नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट से एल एंड पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर, अब मान लो उसके राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर पे पड़ा है, तो आपके जो दोनों एंगल है, राइट बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल सेंटर पे पड़ा है पी पॉइंट उस वायर के. ओके, दूर तो है बट सेंटर तो दूर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर से आप उसको सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, क्योंकि आपको पता ना लेंथ भी हाफ हो जाएगी. ओके, ए स्क्वायर प्लस एल बाय में टू का स्क्वायर हो जाएगा, एल इनको सॉल्व करोगे तो साइन शाई के जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपने पुट कर दिया, फार्मूला तो वही रहेगा साइन शाई प्लस साइन शाई. ओके, तो टू साइन शाई हो जाएगा, साइन शाई की वैल्यू आपने पुट कर दी. ओके, नेक्स्ट आर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है बेसिकली ये आप मेथड बहुत बार यूज कर चुके हो, राइट हैंड थंब रूल्स और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल. ओके, जो आपके फिंगर्स हैं वो क्या बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपका थंब क्या बताता है करंट की डायरेक्शन. ओके, तो इस तरीके से आप ये आपको दोनों ही दोनों के रूल पता है. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इफ यू इमेजिन द लीन, आप मान लो इमेजिन है कि आपके हाथ के अंदर वायर पड़ी हुई है और अंगूठा आपका क्या बता रहा है करंट की डायरेक्शन, तो फिंगर जहां से लैप होंगी आपको वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंपल एज कोर्क स्क्रू रूल के अंदर, जैसे आप कोई भी स्क्रू है वो दीवार के अंदर कसते हो, तो आप जिस डायरेक्शन में कस रहे हो वो क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो दीवार के अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ उसकी करंट की डायरेक्शन होगी. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आज हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से रिवाइज करना. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.